बिल्कुल 10-15 साल मैंने इसी तरह काम किया है। मैं सिर्फ मुझे आदत है, अगर मुझे आदत नहीं होती ना तो अब तक बेड पे आ जाती मैं। कोई भी एक महिला बिना खाए पिए सुबह से लेकर रात तक नहीं काम कर सकती, क्योंकि मुझे आदत है, मैं अधीन हूँ उस बात की। इसलिए मुझे जनता के बीच जाना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं उसमें ही काम करती हूँ। आज अगर मैं जनता के बीच नहीं जाऊँगी तो उनकी मुश्किलों को कैसे हल करूँगी? मुझे मेरी मुश्किलों को हल करने के लिए उनके बीच जाना ही पड़ेगा, और चाहे कितनी ही ताकत लगा दूँ। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि पोईसर की जनता, पूरी कांदिवली की जनता मुझे जिता के लाएगी। वो डॉक्टर हैं और हर डॉक्टर का काम होता है जब उसके पास मरीज जाता है तो उसको बचाने की अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगाता है। जब अजंता यादव 2007 में चुन के आई हैं तब से उनके लिए जो भी समस्या आती है वो एक पेशेंट के जैसा रहता है, तो डॉक्टर उसको ठीक करने का काम करता है। उसी तरीके से अजंता उसको काम ठीक, आप जाइए कहीं भी जाइए पूरे एरिए में, उनका काम ही काम मिलेगा। पूजा करते रहती है तो भी फ़ोन उठाई रहती है और यहाँ अगरबत्ती जलाते रहती, तो एक काम की खूबी है और उस काम की खूबी से लोग उसके साथ। एक महिला होने के नाते अजंता यादव का यहाँ आना हम सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी तक तो पुरुष वर्ग ने कोई विशेष काम नहीं किया, कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया, कोई विकास नहीं किया है, तो हो सकता है ये आएंगी तो कुछ ना कुछ हमें उम्मीद है कि ज़रूर करें। जैसा कि मैंने देखा था उनका, उन्होंने बांटा था जो एडवर्टीजमेंट बांटा था उसमें मैंने देखा था उन्होंने काफ़ी सारे काम किए लोखंडवाला में, तो मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिला और काफ़ी उनमें एक मतलब एक एक लोग से वो मिल के बातें करती है, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जहाँ तक अजंता जी का सवाल है तो वो एक व्यक्तिगत तौर पर मुझे बहुत अच्छा लगे, बाकी तो देखते हैं जो चुनाव के नतीजे आएंगे तो मैं बता दूँ।